आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और क्लास नंबर क्या हो रहा है 2 और यह रिवीजन है और त्रिकोणमितीय फलन का क्लास नंबर क्या हो रहा है 2 हो रहा है और ये है रिवीजन 4 क्या हुआ है टर्म 1 के लिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो भी है इसके लिए है टर्म 1 टर्म 1 एग्जाम के लिए है। अभी मॉडल सेट हम लोग देख लिए हैं, मॉडल सेट 1, 2, 3 और कंप्लीट हो गया है, मॉडल सेट 4 चल रहा है और उसके बाद प्रायिकता भी चालू है और यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय भी चालू है। अगर क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। हम लोग देखते हैं मॉडल टर्म 1 एग्जाम के लिए, कल देखे थे 15 प्रश्न, आज के लिए पहला है, आज के नंबर क्या होगा 1। आपसे पूछ देगा कि ए बताइए फॉर्मूला लिख देते पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा x माइनस y। जैसे नंबर 2 है आपसे पूछेगा कि यदि या तो बोलेगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू होगा क्या, ये चीजें पूछेगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू होगा क्या। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। जो पहला होगा ए एक्स का काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा वाई का काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स, देखिए क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटा, देखिए एक्स का वैल्यू 1/2 बैठा देंगे और वाई का वैल्यू 1/3 हो गया, 1 माइनस x y कहने का मतलब 1/2 और 1/3 होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स, पहले ऊपर वाला काम करते हैं तो अब ऊपर के काम करेंगे तो क्या है बट्टा का जोड़ है, आप इसको क्या कीजिए सीधा 2 और 3 का गुणा कीजिएगा तो 6 मिलेगा, एलसीएम होगा तो भी नहीं लेना है सीधा क्या लिखेंगे आपको 6 लिखेंगे। अब ए होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में क्या कीजिए, जैसे ये 2 और 3 को गुणा करेंगे अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 3 यहाँ पे तो 3 मिलेगा और 2 यहाँ पे 1 से 2 मिलेगा। यहाँ देखिए 1 माइनस 1/3 गुणा के क्या होगा 6 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ देखिए 3 और 2 कितना होगा 5 5/6। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ देखिए 6 तो होगा 6 में से क्योंकि ये 6 चला जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 1 और ये बताइए क्या मिलेगा tan इनवर्स, क्या मिलेगा tan इनवर्स 5/6 और 6 में से ये घटाएंगे तो 5/6 होगा, एक बार में कटेगा तो देखिए tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कहने का मतलब कल देख रहे थे क्या कि ये tan पाई बाय 4 45 डिग्री का ही होता है तो हम लोग लिखेंगे पाई बाय 4। इस प्रश्न का आंसर क्या आया पाई बाय 4 आया, क्या आया पाई बाय 4 आया। जैसे दूसरा है, दूसरा नहीं तीसरा देखेंगे, अब हम लोग tan इनवर्स 2/3 लिख देते हैं, अब प्लस है यहाँ पे tan इनवर्स 1/6 है और बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो x का काम ये करेगा y का काम करेगा, इस फॉर्मूला पे उठाएंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स मिलेगा 2/3 प्लस 1/6 बटा 1 माइनस 2/3 और 1/6 होगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स, इसमें देखो ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 6 तो होगा, यहाँ भी देखिए 2 से कटेगा लेकिन हम यहाँ पे काटेंगे पीटेंगे नहीं, सीधा हम क्या करेंगे 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा लेकिन क्या करना है गुणा करेंगे, गुणा करने से यही फायदा होगा कि गुणा जैसे करेंगे तो तिरछा तिरछे गुणा कीजिएगा कभी गलत नहीं होगा। तो ये बताइए 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा,
तो इसके साथ इससे गुना कर दीजिए कि 36 18 छह मिलेगा, छह से गुना ही में कीजिएगा तो देखिए यहाँ छह है तीन से गुना ही ना कीजिएगा देखिए तीन है, इसलिए तिरछा तिरछे हम लोग गुना छह गुना के 12 और 3 × 1 3 है। यहाँ से देखिए 36 कितना होगा 18 होगा, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस 2 और बटा कितना होगा 18 होगा, ये 18 से कटेगा तो बताइए क्या मिलेगा टेन इनवर्स 12 3 क्या होगा 15 बटा कितना होगा 18 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या होगा 16। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा टेन इनवर्स 15/16। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए फिर से 1 2 × 1 क्या होगा 2 ही तो होगा और 36 18 इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 18 आएगा, देखिए 18 लिखा है, 1 से डिवाइड कीजिएगा 18 18 से गुना कर दीजिएगा 1 में तो 18, इसीलिए सीधा यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, जैसे 36 18 है तो इसमें गुना करेंगे तो 18 ही तो मिलेगा, ये होगा 18 18 से डिवाइड करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा 2, अब बाकी घटा लीजिए। तो यह था नंबर 3, इसी टाइप का आप सोल्व कर सकते हैं, दिया रहेगा बहुत ही आसान तरीका, कोई भी दिया रहेगा बन जाएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा नंबर 4 के पास चलेंगे। नंबर 4 क्या है, एक आपके पास फॉर्मूला रहेगा 2 tan inverse, नंबर देखिए 4 है, 2 tan inverse x इक्वल टू ये होता है tan inverse 2x / 1 - x² इस टाइप से थोड़ा बढ़िया लिखते हैं कि tan इनवर्स 2x / 1 - x² होगा। ये चीजें आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका से देख लेंगे। जैसे पांचवा एग्जांपल है, ये है 2 tan inverse 1/5 = क्या होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से लिखेंगे 2 tan inverse 1/3 क्या होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, नंबर 7 लिखेंगे 4 tan inverse 2 की वैल्यू है, क्या है ये, इसका वैल्यू क्या बता देते हैं, ये सबके वैल्यू पूछे रहेगा तो क्या होगा। पहला क्या है, पांचवा देखिए, पहले हम इसको बनाएंगे उसके बाद ये बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है 2 tan inverse x = tan inverse 2x / 1 - x² होता है। तो a x x कहने के मतलब 1/5 है, x x कहने के मतलब 1/3 है और इसमें x कहने के मतलब क्या है कि 2 है, लेकिन एक ध्यान देना है कि जब भी 2 रहेगा तो ही बनेगा, क्या रहेगा 2 रहेगा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो आगे लिखेंगे tan inverse 2 × 1/5 क्योंकि x का वैल्यू रखना है ना, तो 1/5 यहाँ रखेंगे बटा 1 - 1/5 का होल स्क्वायर करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स ये 2 बटा क्या मिलेगा 5/1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 2/5। आ रहा समझ में, मस्ती है ना, ये 1 और 25 का एलसीएम 25 होगा, तो देखो 1 से डिवाइड कीजिएगा 25, 25 से गुना कीजिएगा तो 25, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दीजिए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए गुना करके -1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें ये होगा tan इनवर्स, क्या होगा थोड़ा यहीं से बना देते हैं, tan इनवर्स 2/5 × 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 25 में से एक घटाइएगा तो क्या मिलेगा 24, ये देखिए 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा 12 बार में, ये 5 से कटेगा 5 से, ठीक है, तो मिलेगा tan इनवर्स 5/12। तो इस प्रश्न का कितना आंसर होता है tan इनवर्स 5/12। देखिए यहाँ जो है 2 tan inverse 1/3 x का वैल्यू कितना है 1/3, तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे होगा tan इनवर्स
टू इंटू वन बाई थ्री बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर करने के मतलब वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, तो ए हो जाएगा टेन इनवर्स टू बाई थ्री और वन बाई वन माइनस नाइन हो जाएगा, तीन थ्री के नौ जीरेगा, तो टेन इनवर्स क्या होगा टू बटा थ्री, नाइन देखिए एलसीएम लीजिएगा तो नाइन ही तो मिलेगा, ये नाइन यहाँ पे चला जाएगा, नाइन माइनस वन हो जाएगा, तो ये मिलेगा टेन इनवर्स टू बट्टा थ्री, नाइन ऊपर चला जाएगा और नौ में से एक घटाइएगा तो आठ मिलेगा, तीन थ्री के नौ और दो से कटेगा तो कितना चार बार में, तो टेन इनवर्स थ्री बट्टा क्या होगा फोर होगा, तो यह प्रश्न का आंसर कितना होगा टेन इनवर्स थ्री बाई फोर होगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जैसे आप भोजपुरी देख लेते हैं थोड़ा सा ना, तो उसी तरह से है यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है क्लास, समझ में भी आएगा क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं, एक क्लास पहले भी हम लोग टोटल फॉर्मूला लिखवा दिए हैं। नंबर फोर है, अब देखिए ध्यान से यहाँ देखिएगा, जो फोर है ये क्या है फोर है और ये क्या है टू है, इसको हम पहले क्या लिखेंगे टू लिखेंगे और टू टेन इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं और एक टू हो जाएगा, आगे सोल्व करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा टू मिलेगा और यहाँ देखिए टू मिलेगा और इसके लिए फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है टू ही तो दिख रहा है बटा वन माइनस क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, तो आगे सोल्व करेंगे तो टू टेन इनवर्स दो दूना के चार, वन माइनस दो दूना के चार होगा क्योंकि टू का स्क्वायर होगा और वन देखिए वन में से चार घटाइएगा तो माइनस क्या मिलेगा थ्री, अब यहाँ से टेन इनवर्स क्या आ जाएगा फोर बट्टा थ्री माइनस में है देखिए, और ये क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ाए थे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, इसको माइनस बाहर निकाल देंगे तो टेन इनवर्स फोर बट्टा थ्री होगा, फिर से माइनस रहेगा और बाकी देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ से टू इंटू फोर बट्टा क्या होगा थ्री और वन माइनस फोर बट्टा थ्री का होल स्क्वायर होगा, माइनस चलते रहेगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, देखिए चार दुना के आठ बाई थ्री, चार चौका कितना होगा सोलह बट्टा तीन थ्री के नौ, आठ क्या होगा टेन इनवर्स हो जाएगा और इसके देखिए एट बाई थ्री एलसीएम लीजिएगा तो नाइन चला जाएगा, नाइन माइनस सोलह बट्टा कितना होगा नाइन होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, एट बाई थ्री इंटू नाइन चला जाएगा ऊपर में, अब बताइए नौ में से जब सोलह घटाएंगे तो माइनस सात मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस सात मिलेगा, ठीक है अब बताइए ये थ्री से तो कटेगा ना, पहले से भी देखिए माइनस आते हैं माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स, बताइए आठ तरीके कितना होगा चौबीस बटा कितना होगा माइनस सात, फिर से देखिए ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, ये माइनस मिलकर के क्या कर देगा प्लस के, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा चौबीस बटा कितना हो जाएगा सात होगा, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा चौबीस बटा सात होगा, तो आसान तरीका से समझ में आ रहा है, आप समझ लीजिएगा कि क्या है और क्या नहीं है, है ना। नंबर एक और देखते हैं एट, नंबर एट है यहां से लिख देते हैं, नंबर एट है ऐसा पूछता नहीं है लेकिन लिखा जाए टेन इनवर्स मान लेते हैं कि थ्री है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं फाइव इंटू टू टेन इनवर्स थ्री लिख सकते हैं, इस टाइप का एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन कभी कभी हम लोग आगे चलेंगे तो मिल जाता है कोई एग्जाम में, तो फाइव हो जाएगा, अब बताइए इसके फॉर्मूला तो लगेंगे ना, तो क्या मिलेगा टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स मतलब थ्री बट्टा वन माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मतलब थ्री है और बाकी टेन इनवर्स हम लोग लिखेंगे तो तीन दुना के छः वन माइनस क्या होगा नाइन, वन में से अगर नाइन को घटाइएगा तो माइनस कितना मिलेगा बता सकते हैं एट मिलेगा, टू के टेबल में ये थ्री बार में और एक फोर बार में, तो क्या मिलेगा कि फाइव टेन इनवर्स
माइनस थ्री बट्टा फोर ही तो मिलेगा, लेकिन ये क्या है माइनस में, यहाँ देखिए एक माइनस है, टेन इनवर्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स होता है, इसको हम देख सकते हैं माइनस फाइव टेन इनवर्स थ्री बटा कितना होगा फोर होगा, थ्री बटा कितना होगा फोर होगा, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा थ्री बटा फोर होगा। समझ में आ रहा है तुझे, अच्छा से आगे बढ़ेंगे। आपसे कुछ दिया जाए नाइन में, टू कॉट इनवर्स थ्री बाई वन बाई थ्री है, क्या है वन बाई थ्री है, और इसका वैल्यू आपको टेन में बताना है, इसमें बताना है टेन में कि टेन इनवर्स क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से या नोट पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं पढ़े हैं हम इसको जानते, टेन उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट उल्टा क्या होगा टेन इनवर्स, क्या होगा टेन इनवर्स। अब आगे बढ़ेंगे, इसको पलटेंगे तो बी बाई क्या होगा ए हो जाएगा, तो यहां से देखिए टू हो जाएगा टेन इनवर्स, ना कॉट उल्टा क्या होगा टेन, और इसको ऊपर नीचे किया गया है तो देखिए थ्री बटा कितना होगा थ्री बटा वन हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा टू टेन इनवर्स थ्री, और ये देखिए फॉर्मूला होगा आप जस्ट बोल देते हैं टेन टू इंटू थ्री बटा वन माइनस थ्री का स्क्वायर होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स तीन गुना के छ होगा, यहाँ देखो वन माइनस नाइन हो जाएगा, तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स सिक्स बटा एट में से वन में से नाइन घटाएंगे तो माइनस एट, एक कटेगा थ्री से एक फोर से कटेगा, क्या मिलेगा टेन इनवर्स माइनस थ्री बट्टा फोर, और आगे आ जाएगा माइनस में थ्री बट्टा फोर हो जाएगा, यह था नंबर नाइन। तो इसी टाइप के आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे। नंबर देखिए टेन इस टाइप के हैं, तो साइन इनवर्स देखिए थ्री एक्स माइनस फोर एक्स ही, तो साइन यहाँ देखिए थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख क्या मान लेंगे बताइए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू इधर आ सकते क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि पहले इसको हर लोग मिटा देते हैं, ये पूछेगा कि साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, इस टाइप से पूछेगा। तो हम लोग साइन है तो साइन में ही डेट मानेंगे, से साइन थ्री थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, इस टाइप से पूछेगा, आपको सिद्ध तो करना नहीं है, क्योंकि टर्म वन में पहले था कि आपको प्रूफ डेट करना था, लेकिन टर्म वन में सीधा सीधे क्या देगा कि बोलेगा कि इतना बराबर किसको टिक करना है, ए बी सी डी में दिया रहेगा। हम लोग इसको लेंगे थीटा, देखिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तब थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा इधर आएगा तो साइन इनवर्स मिलेगा। अब इस वाले में रखेंगे क्या रखेंगे, देखिए साइन इनवर्स थ्री एक्स के जगह पर साइन थीटा माइनस फोर साइन थीटा, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स, ये जो होता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, किसके होता है साइन थ्री थीटा, एक आप देखे होंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, एक खत्म होकर के क्या मिलेगा थ्री थीटा, और थ्री थीटा के जगह पर क्या है सामने से देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, इसके मतलब कि इतना बराबर क्या आंसर आएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। जैसे नंबर क्या है 11, आपसे पूछिएगा कि कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, कॉस में है तो सीधा क्या बोलेंगे 3 कॉस इनवर्स 6 हो जाएगा, जैसे लेट मानेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, क्या मानेंगे कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स 6 हो जाएगा। अब बताइए यहां से क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 4 कॉस थीटा माइनस 3 सॉरी क्यू थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा,
तो cos इनवर्स ना, ये देखिए क्या है, दोनों मिलने के बाद 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा होता है। ये फार्मूला होता है कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होगा, तो इसमें क्या मिलेगा बताइए, 3 थीटा, और 3 थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे बताइए जी, सामने से cos इनवर्स। इसका मतलब है इस जो प्रश्न का आंसर आता क्या आता, 3 cos इनवर्स x आता। तो इस टाइप के ही पूछता है क्या हमें, तो समझिए आप धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे। नंबर अगला है, जैसे नंबर 12 हो जाएगा, देखिए 12 क्या बोला है कि यहाँ से दिया रहेगा tan इनवर्स रूट में रहेगा 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, ये चीजें हैं। एक और हम लोग 13 ले लेते हैं, इसी टाइप का नंबर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, नंबर 13 भी है कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स है और रूट में क्या रहेगा कि 1 माइनस cos हो जाएगा ना, चाहे इसको हम cot कर लेते हैं, क्या करेंगे cot इनवर्स, और इसको 3x प्लस में और 1 माइनस cos 3x, ये दोनों के लिए रूट है। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin² होगा। इस थीटा को आधा करेंगे तो केवल थीटा ही मिलेगा, और दूसरा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, एक होगा 2 cos² इस थीटा को आधा करेंगे तो थीटा ही मिलेगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे ही लगाएंगे। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 sin² क्या लिखेंगे 2 sin² थीटा के जगह पर x है, x के आधा क्या होगा 1/2 ही तो होगा, 1 प्लस cos x 2 cos² और x बाई 2, और सभी के लिए हम रूट लेंगे, ए 2 से ए 2 कट जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स मिलेगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देखिए जब भी अगर ए स्क्वायर रूट में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ए ही मिलेगा, तो क्या है साइन स्क्वायर जब बाहर निकलेगा रूट से तो ए x बाई 2 मिलेगा साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। अभी आप देखे थे कुछ देर पहले कि tan जब थीटा रहेगा तो sin थीटा बाई क्या होगा cos थीटा, तो sin में cos इक्वल टू क्या होगा tan ही तो होगा tan इनवर्स, और इसको हम लोग लिखेंगे tan x बाई 2। अभी देखिए tan इनवर्स, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है ना, तो यहां से देखिए खत्म होकर के क्या मिलेगा x बाई 2 मिलेगा, इस प्रश्न का आंसर x बाई 2। दूसरा भी ऐसी है, देखिए ये 13वां नंबर है, cot में है, cot से मतलब नहीं है, जो है उसी को लिखेंगे, यहाँ देखिए अंडर रूट 1 प्लस cos 3x, तो ये प्लस बोला 2 cos² और इस एंगल का हाफ करेंगे तो हाफ मतलब 3x बाई 2 ही होगा बटा 2 sin² 3x बाई 2 ही होगा, और सभी के लिए रूट है। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, यही मिलेगा कि 2 से 2 कट जाएगा और उसके बाद मिलेगा cot इनवर्स, रूट से बाहर आएगा तो cos क्या मिलेगा cos 3x बाई 2 और यहां से sin 3x x बाई 2 sin थीटा और बाई cos थीटा तो बनता है tan थीटा, लेकिन है क्या है cos बाई sin, cos बाई sin इक्वल टू क्या बनेगा cot बनेगा, क्या बनेगा cot 3x बाई 2, और देखिए cot इनवर्स cot ना दोनों क्या होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, खत्म होगा कि क्या मिलेगा 3x बाई 2, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 3x बाई 2 है। नंबर 14 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है, इसको पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, अंदर से धीरे धीरे बाहर की ओर आएंगे। तो देखिए ये होगा tan इनवर्स 2 cos बताइए a 2 sin इनवर्स है
इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, क्योंकि 30 डिग्री का ही तो होता है 1/2 इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स लिखेंगे। और ये देखिए साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएंगे, परगुला लगेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा टेन इनवर्स 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई सिक्स मिलेगा। ये कटेगा कितने से, दो बार में कटेगा, तो मिला टेन इनवर्स 2 कॉस ना पाई बाई थ्री मिलेगा। अब बताइए टेन पाई बाई थ्री कहने का मतलब 1/2, 60 डिग्री का है 1/2, और 1 ये 2 कटेगा तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स मिलेगा 1, और टेन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4 कहने का मतलब कितना, 45 डिग्री। आपको डिग्री में नहीं रेडियन में ही देगा, जब भी देगा तो रेडियन में। तो था नंबर 14 था। एक और हम लोग देख लेते हैं नंबर 15। देखिए नंबर क्या है 15, 15 में दिया है, यहां से देखिए tan है ना, और अंदर में है tan इनवर्स a ना, और प्लस क्या हो जाएगा बताइए, cot इनवर्स a। कल हम लोग देखे थे कि sin क्या, देखिए tan इनवर्स a प्लस cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। जब भी ये एंगल होता है इक्वल ना, तो लिखेंगे पाई बाई 2, ये हो जाएगा tan और पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहने के मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे tan क्या होता है, इनक्लाइंड होता है, या तो लिखेंगे अपरिभाषित लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपरिभाषित लिख देंगे ना। तो यह था नंबर 15, और मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर क्या चलेगा 3। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।